दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा अपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने, सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो मुबारक हो आप, तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए, तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं हो, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं, भाषण तो कोई भी लिख देगा। लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया गया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है? इसलिए ये देश जो है ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है, और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो, लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें। दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा अपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने, सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो मुबारक हो आप, तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए, तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं हो, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं, भाषण तो कोई भी लिख देगा। लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया गया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है? इसलिए ये देश जो है ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है, और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो, लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें।